नमस्कार और आप देखें पल पल। पंजाब के मुख्यमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनके चंडीगढ़ स्थित आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका स्वागत किया। पल पल चंडीगढ़ से खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को माता मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की और खुशहाली की मनोकामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लगभग 4,40,00,000 रुपए की लागत से नवनिर्मित विकास कार्यों का लोकार्पण किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 1991 से माता मनसा देवी, पंचकुला माता काली मंदिर, कालका का अधिग्रहण किया गया, जब से लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में 2,08,00,000 रुपए की लागत से बने माता मनसा देवी मंदिर में पटियाला मंदिर तक जोड़ने वाले मेन कॉरिडोर का उद्घाटन भी किया है। उन्होंने श्री वाटिका पार्किंग का लोकार्पण किया, जिस पर 2,04,00,000 रुपए का खर्च पहुंचा। इस पार्किंग में श्रद्धालुओं को वाहन खड़े करने के लिए सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने पिंजौर और कालका में माता काली मंदिर के शक्ति स्तंभ का लोकार्पण किया। इस निर्माण पर 22.65,00,000 रुपए की लागत आई है। आप देख रहे हैं चंडीगढ़ से ये खास रिपोर्ट।